और बड़ी खबर, यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज आधा दिन ही सदन की कार्यवाही चलेगी। शोक प्रस्ताव के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 22 फरवरी को बजट पेश करेगी सरकार, तो वही पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र में आज सरकार को विपक्ष फिर घेरने की कोशिश करेगा। बड़ी खबर है, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, तो वही आपको बता दें कि आधे दिन ही सदन की कार्यवाही चलेगी, तो वही 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और पहली बार ऐसा होगा जब पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र में आज सरकार फिर से विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज आधा दिन ही सदन की कार्यवाही चलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, आपसे जानेंगे, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और एक बार फिर से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, कितना हंगामेदार रहने का आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, आज दूसरा दिन है बजट सत्र का और आज जो निधन की सूचनाएं हैं वो ली जाएंगी, शोक संवेदनाएं हैं वो दर्ज कराई जाएंगी। जितने भी जो सदस्य रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा या विधान परिषद के, उनके निधन की सूचनाएं ली जाएंगी और उसके बाद 19 फरवरी यानी आज ही के दिन राज्यपाल के जो अभिभाषण कल जो हुआ था 18 फरवरी को, उस पर विचार विमर्श भी किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। आधे दिन की कार्रवाई होनी है, लेकिन इसके बीच अगर हम देखें तो जो विपक्ष, उसने एक बार फिर से तैयारी की हुई है, क्योंकि कल जो विपक्षी थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करी जाए या कांग्रेस की बात करी जाए, सबने अपना अपना विरोध जताया था सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। तो आज भी कुछ इसी तरह की उम्मीद है कि आज भी हंगामेदार सदन होने वाला है और बहुत ही जल्दी ये स्थगित भी हो जाएगा आज की, अगर हम कार्रवाई की बात करें तो। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो मुद्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जैसे कि उन्नाव में जो घटना घटी है उसको लेकर जो विपक्षी है वो सरकार को घेरेंगे। इसके अलावा और जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है विपक्षियों की तरफ से। लेकिन जिस तरह से आज की जो कार्रवाई है वो अब से थोड़ी देर में शुरू होगी और पहले शोक संवेदनाएं जो है वो ली जाएंगी। बिल्कुल, और 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? देखिए, 22 फरवरी के बजट को लेकर उत्तर प्रदेश का हर जो नागरिक है उसकी आशाएं सरकार से बंधी हुई है, क्योंकि कोरोना काल था, कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, रोजगार चला गया है, जो व्यापारी है वो भी कहीं ना कहीं जो टैक्स और जो किराए हैं उनसे परेशान है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं से कैसे जनता को निजात दिलाएगी सरकार, और इसको लेकर जितने भी लोग हैं उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उन्होंने अपनी आशा जो है वो सरकार से बांधी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही रहेगी कि हर वर्ग को इस बजट में लाभ पहुंचाया जाए, चाहे रोजगार की दृष्टि से हो या फिर व्यापार की दृष्टि से हो या फिर महिला सुरक्षा की दृष्टि से हो, ये कोशिश रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार की। पहली बार पेपरलेस बजट होगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में देखकर सुरेश खन्ना जो कि जो मंत्री है विभाग के, वो इस बजट को पढ़ेंगे। तो देखना ये होगा कि वित्त मंत्री जब बजट को पढ़ते हैं तो किस तरह का जो जनता का जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर सरकार किस तरह से खड़ा हो सकती है। बिल्कुल नितिन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा और खास तौर पर यहां पर उन्नाव कांड को लेकर सरकार को यहां पर जवाबदेही भी बनती है जब विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। तमाम मुद्दों को लेकर कल ही हम जिस तरह से देख चुके हैं कि सपा के एमएलसी विधानसभा गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था उस दौरान भी विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था, तो ऐसे में आज का दिन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि उन्नाव कांड को लेकर लगातार सरकार को विपक्ष घेर रहा है और आज सदन में जवाबदेही सीधे तौर पर सरकार की बनती है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, राष्ट्रीय